ओके गाइस, सो नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट्स सेट एंड पीएचडी इन टूरिज्म, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड टुडेज टॉपिक इज स्कोप आफ्टर होटल मैनेजमेंट। ये जो वीडियो है, मैंने जब मेरा फर्स्ट वीडियो आया था तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, कि होटल मैनेजमेंट के बाद हमारे पास क्या क्या स्कोप होते हैं, कहाँ कहाँ हम जॉब कर सकते हैं और क्या सैलरी, एक एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज रहता है। ओके, सो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम जहां पे एक प्लेन ग्रेजुएशन आपकी एलिजिबिलिटी रखी हुई है, वो सभी एग्ज़ाम आप आफ्टर होटल मैनेजमेंट भर सकते हो। ऑल राइट गाइस, सो सर्विस इंडस्ट्री हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं और वहाँ पे गेस्ट्स को डील करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं। ओके, और वही सब स्किल्स जो हैं वो आप इस कोर्स में सीखते हैं। तो अगर मैं एक ओवरव्यू की बात करूँ कि आप होटल मैनेजमेंट के कोर्स में क्या सीखते हैं, तो आप सीखते हैं सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सिचुएशन हैंडलिंग स्किल्स। ओके, आपकी ग्रूमिंग इससे बहुत इम्प्रूव होती है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इससे बहुत इम्प्रूव होती है, एंड यू लर्न हाउ टू कन्विंस पीपल। ओके, ये सब आप इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में सीखते हो, और यही वो पॉइंट्स हैं जो सर्विस सेक्टर में हमें चाहिए होते हैं जब हम गेस्ट के साथ डील करते हैं। ओके गाइज, तो आइए शुरू करते हैं। अज्यूम करो कि आपने होटल मैनेजमेंट की डिग्री कम्प्लीट कर ली है या आप उसके फाइनल ईयर में हैं, तो अब आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जहां पे आप जॉब कर पाएंगे, ठीक है, और क्या आपका सैलरी पैकेज रहेगा। ओके, सो फर्स्ट हम शुरू करते हैं, जो सबसे जो मेन है जिसके लिए होटल मैनेजमेंट कोर्स बना है, वो है हमारा होटल कोर होटल। ओके, तो जो हमारे होटल्स हैं, होटल प्रॉपर्टीज हैं, 5-star, 3-star, 4-star, वहां पे आप जॉब कर पाएंगे। चार मेन डिपार्टमेंट हैं, सभी जानते हैं, फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस एंड अकोमोडेशन ऑपरेशंस, हाउसकीपिंग। ओके, इन चारों डिपार्टमेंट्स में आपके पास जॉब्स के ऑप्शन रहेंगे आफ्टर होटल मैनेजमेंट। ओके, तो आप अभी अगर किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो थर्ड ईयर में आपकी प्लेसमेंट्स आती हैं, होटल्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट में आते हैं और बच्चों को हायर करते हैं जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे दो लेवल पे आपकी एंट्री होती है, ठीक है। फर्स्ट इज योर एंट्री लेवल, जो बहुत बेस से आपको उठाएंगे, बेसिक लेवल वी कैन से, एंड सेकंड इज योर एमटी लेवल, दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एंट्री पे जाते हो, बिल्कुल बॉटम से शुरू करते हो, तो जो आपका पैकेज रहेगा, जो आपकी सैलरी रहेगी, वो रहेगी 10,000 से लेके 20,000 के बीच में। ये मैंने उन्होंने एवरेज एक बात करी है, कुछ होटल्स की 25,000 भी हो सकती है स्टार्टिंग लेवल, ठीक है। तो बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं कि वो आपको अकोमोडेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सैलरी कितनी है और सर्विस चार्ज और जो हमारे अदर इंसेंटिव्स पर्क्स बनते हैं, उस सब को मिला के आपका पैकेज सभी होटल में अलग अलग बनता है एंट्री लेवल पे। तो मैंने इसका एवरेज रखा है 10,000 से लेके 20,000। ओके, एंड सेकेंड आपका होता है एमटी लेवल, दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो देखो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मीन्स आप अगर इस कोर्स को, इस एग्जाम को, इस लेवल को पार करते हो, तो आपको जो फर्स्ट पोजीशन मिलेगी दैट विल बी सुपरवाइजरी पोस्ट। ओके, मे बी मैनेजिंग पोस्ट, एंड कुछ टाइम रहता है, जैसे कि हम ओसीएलडी की बात करें तो ओसीएलडी का जो इंटरव्यू है वो क्रैक करने के बाद कुछ टाइम आपको वहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद आपकी जो फर्स्ट जो डेजिग्नेशन होगी वो मैनेजिंग होगी, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो या फिर सुपरवाइजरी होगी, और वहाँ पे आपका पैकेज जो है वो मैंने रखा है 30,000 से लेके 50,000। ओके, क्योंकि सभी होटल्स का अलग अलग SOPs होते हैं, सभी होटल्स के अलग अलग सैलरी पैकेज होते हैं, बट अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो ये जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप जाओगे तो आपका पैकेज रहेगा 30,000 से 50,000 के बीच में। ओके गाइज, तो आफ्टर होटल मैनेजमेंट हमारा फर्स्ट स्कोप तो आ गया कि मेन कोर होटल्स। ओके, सेकंड आपके आएंगे QSR और वी कैन से स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स। ओके, तो QSR क्या होते हैं हमारे, जैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं। ओके,
तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जैसे मैकडोनल्ड्स है, योर पिज्जा है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे आप जॉब के लिए जा सकते हैं। वो आपको स्टार्टिंग में अच्छी पोजीशन और अच्छा पैकेज देते हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे पैकेज आपका रहता है 20 to 30,000 ओके स्टार्टिंग का। देन नेक्स्ट हमारा आता है जो आपके पास स्कोप है आफ्टर होटल मैनेजमेंट, दैट इज एविएशन इंडस्ट्री और वी कैन से एयरलाइंस में। ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव एक जॉब है, फ्लाइंग स्टीवर्ड। इसमें जो मेल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और जो फीमेल हैं वो एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका पैकेज रहेगा वो रहेगा 40 to 50,000 स्टार्टिंग। काफ़ी अच्छा पैकेज देते हैं, लेकिन इनका जो इंटरव्यूज़ हैं और जो इनके पैरामीटर्स हैं, सिलेक्शन पैरामीटर्स थोड़े से टफ होते हैं, ओके। पर अगर आप ये क्रैक कर पाओगे तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी 40 to 50,000 के बीच में, ओके। नेक्स्ट आता है क्रूज लाइन, ओके। तो क्रूज लाइन भी बहुत ल्यूक्रेटिव एक जॉब है, पैकेज इसमें बहुत अच्छा रहता है। आप स्टार्टिंग में ही आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो, अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो वो 60,000 to 1,00,000, ओके, इसी के बीच में आपका स्टार्टिंग पैकेज इसमें आपको मिलेगा क्रूज लाइन में। नेक्स्ट आता है यो IRCTC और वी कैन से रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज में भी आपकी जॉब लग सकती है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उनकी वेबसाइट को चेक करते रहो, वहाँ पे कैटरिंग इंस्पेक्टर Grade 1, Grade 2 गवर्नमेंट जॉब होती है और ये निकलती रहती हैं, ओके। काफ़ी अच्छा पैकेज होता है। अगर वहाँ पे जैसे हमारी जो महाराजा ट्रेन है और जो रॉयल ओरिएंट है, ठीक है, ये कुछ हमारी लग्जरी ट्रेन्स हैं, अगर यहाँ पे आपकी जॉब लग जाती है तो वो एक लॉटरी से कम नहीं होता है, ओके। तो रेलवेज आपके पास एक ऑप्शन है आफ्टर होटल मैनेजमेंट। रिटेल आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आफ्टर होटल मैनेजमेंट, जैसे शॉपर स्टॉप है, योरा पेंटालूंस है, ये सभी रिटेल में आते हैं और यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा पैकेज स्टार्टिंग में वो ऑफर करते हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 25,000 से लेके योर 40,000 के बीच में इनका पैकेज रहता है। आर्मी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, आर्मी के लिए जैसे JCO पोजीशन के लिए इनकी जॉब निकलती रहती हैं। देन कैटरिंग में भी आर्मी में पोजीशंस निकलती रहती हैं, ओके, आर्मी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज टीचिंग पोजीशंस, ओके। तो टीचिंग के लिए भी आप आफ्टर होटल मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपके जितने भी IHMs हैं इंडिया में, वहाँ पे अगर आपने एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में अप्लाई करना है, एक गवर्नमेंट टीचर के डेजिग्नेशन पे जाना है, जैसे कि असिस्टेंट लेक्चरर होती है पोस्ट, जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है टीचिंग में IHMs में, तो आफ्टर होटल मैनेजमेंट जो आज की डेट में जो एलिजिबिलिटी है, दैट इज़ कि आपके पास 2 साल का होटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको NSTAT का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप कहीं भी किसी भी IHM में अगर असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब निकलती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास आफ्टर होटल मैनेजमेंट अगर आपने MSc किया है और MSc में आपकी 60% हैं तो उस केस में आपको होटल में भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो MSc इन होटल मैनेजमेंट प्लस NSTAT एंड यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लेक्चरर एट एनी IHM, ओके गाइस। तो ये टीचिंग की बात होगी। देन आता है टीचिंग इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। तो अभी तो हमने IHM की बात की, लेकिन टीचिंग में अगर मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करूँ, एक लार्ज एस्पेक्ट में बात करूँ, तो टूरिज्म में भी आप जा सकते हैं। आफ्टर होटल मैनेजमेंट आप मास्टर्स इन टूरिज्म कर सकते हैं या मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी ही भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको टूरिज्म में NET का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और वो निकालने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज जो कि UGC से अप्रूव हैं, वहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ का जो पैकेज है वो आपका स्टार्टिंग सैलरी ही 1 lakh से स्टार्ट हो, ओके। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां जाके देख सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा जॉब स्कोप आता है आफ्टर होटल मैनेजमेंट, दैट इज हॉस्पिटल्स। बहुत सारे 5-star हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। अगेन वहां भी डीलिंग, गेस्ट से डीलिंग की बात आती है, तो पेशेंट्स को यू नो
देखभाल करनी है उनकी, उनके मैनेजर्स चाहिए होते हैं, पर्सनल मैनेजर चाहिए होते हैं, तो वहाँ भी अब बहुत अच्छी पोस्ट निकलती हैं। ठीक है, कैटरिंग में आप हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हो, तो इनको भी अगर आप रूटीन में चेक करते रहोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी ल्यूक्रेटिव पोजीशंस वहाँ पे निकलती हैं। शॉपिंग मॉल, बहुत सारे शॉपिंग मॉल आज की डेट में हर सिटी में खुल चुके हैं और आप उन शॉपिंग मॉल्स में भी मैनेजर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन वहाँ पे PVR होते हैं, वहाँ उनको मैनेज करने के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, टूर एंड ट्रैवल, जैसे थॉमस कुक है, योर कॉक्स एंड किंग्स हैं, यहाँ भी काफ़ी पोजीशंस निकलती रहती हैं। देखिए गाइस, जॉब्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। ओके, आप अपने आप को अपडेट रखोगे, रूटीन पे आप इन सभी साइट्स को चेक करते रहोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी जॉब्स हैं। देखा है कि बहुत से बच्चे ये बोलते हैं बाद में कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने होटल मैनेजमेंट करा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ होटल में ही जॉब मिल सकती है। ऐसा नहीं है, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जो भी आपको सूट करता है और जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो फील्ड आप चूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी अभी यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, देखिए गाइस, इसमें से बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स भी होंगे जो इस वीडियो में मैंने उनका नाम नहीं लिया होगा, क्योंकि अगर उनका नाम लेता तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ओके गाइस, तो जो मैंने अभी नाम लिए हैं वो तो आपके कोर एरियाज हैं, जहाँ पे होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को वो लोग बिल्कुल फंस के एब्जॉर्ब करते हैं। ओके ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सभी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सेलफोन पे या आपके लैपटॉप पे पहुंच सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Just like that.